क्यों बार बार ये जेडीयू को कहना पड़ रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए बीजेपी का। दोनों पार्टियों में खटपट है, ये बात दिख रहा है। कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई, ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया, 2025 के एजेंडे पे मोहर लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल आने वाला है हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें कि बीजेपी का करारी हार देखने को मिल रहा है। इन्हीं तमाम विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। कल राज्य कार्यकारिणी का बैठक हुआ, 2025 के एजेंडे पर मोहर लग चुका है। देखिए, ये एजेंडा पर जेडीयू का मोहर लगाने से होगा? जनता का मुहर तेजस्वी यादव जी की सरकार के लिए लगा हुआ है। 235 का टारगेट बिहार की जनता ने तय कर लिया है महागठबंधन में, इसलिए अब जेडीयू बीजेपी के टारगेट का कोई मतलब है? जनता ने तय करेगी किसको कितना सीट मिलेगा, कौन जीतेगा, तो इसलिए ये जेडीयू के एजेंडे पर मुहर का जो हो रही है बात, तो इससे पता चलता है कि आखिर क्यों बार बार ये जेडीयू को कहना पड़ रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए बीजेपी का। दोनों पार्टियों में खटपट है, ये बात दिख रहा है। अभी चुनाव परिणाम जब दो राज्य के जम्मू कश्मीर हरियाणा के आएंगे, तो उससे सीधे राजनीतिक भूकंप बिहार में आएगा। और अभी देख लीजिए, जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब दबाव बीजेपी के ऊपर बनाएंगे, उनका साथ छोड़ेंगे। बीजेपी की उल्टी गिनती 2024 के लोकसभा चुनाव से परिणाम के बाद से ही दिखने लगी है। और दो राज्यों का चुनाव परिणाम जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी का सुफड़ा साफ हो रहा है वहाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी के जो जिले के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, कोई भी हो, चाहे जेडीयू, हम, कोई भी पार्टी के अध्यक्ष हो, उनके साथ वार्ता करेंगे, मीटिंग करेंगे, और उसके बाद जो तैयारी जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अरे भाई, नहीं करेंगे तो उनका पार्टी को तोड़ देगी बीजेपी। अब ऐसी स्थिति आ गई, यही स्थिति दिख रही है ना, देख रहे हैं कि रोज मांग जेडीयू की ओर से हो रहा है। कभी कोई कह रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी को पीएम पद का उम्मीदवार, कभी कल भारत रत्न देने की मांग हुई, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बाढ़ राहत में कोई नहीं मिला मदद, वहाँ विशेष पैकेज नहीं मिला, लेकिन ये मांग पे मांग किससे कर रहे हैं भाई? डबल इंजन की सरकार में है, तो ये जो आपसी सरकार में खींचतान है ये आए दिन दिखता है। और इसका साइड इफेक्ट आप देखेंगे, अभी ये लिया गया कि बीजेपी और जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, तो बैठक क्या करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है गड़बड़। लेकिन एक बात ये सामने निकल कर आई कि जो आप लोगों के तरफ से बाढ़ पीड़ित को लेकर जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो कल मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार ने ये दिशा निर्देश दिया कि जो भी विपक्ष के तरफ से भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया की तरफ से आप लोग हमला की। देखिए, सोशल मीडिया पर क्या हमला करेंगे और विपक्ष को क्या कहेंगे? अरे हकीकत क्या है, धरातल पर सबको दिख रहा है कि क्या हाल है बाढ़ पीड़ितों का। माननीय सांसद की लाचारी, बेबसी, एक छोटे अधिकारी सुन नहीं रहे बात, फोन नहीं उठा रहे हैं दिन भर, पूर्व मंत्री बीजेपी के माननीय विधायक का कोई नहीं सुध ले रहा है, कल उनका वीडियो वायरल हुआ है, ये तो दिख रहा है। इसमें विपक्ष को कोसने से पहले सरकार अपने गिरेबान में झांके और बिहार की जनता के लिए काम करे, जितना काम विपक्ष कर दे रहा है सत्ता पक्ष नहीं संभाल पा रहा है बिहार। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई इसको लेकर सीधे तौर पर फैसला लिया गया, जिसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई, बार बार बताना पड़ रहा है कि 2025 का जो है चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन दो राज्य में जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसके पहले एग्जिट पोल आ चुका है, लेकिन एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। एग्जिट पोल जो सामने आया है उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसके बाद से राजनीति में भूचाल आ चुका है और दो राज्य के जो परिणाम आएंगे बिहार में भी भूकंप राजनीति में आने वाली है, एक बड़ी बात इन्होंने कही। वेरल्स कर में आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वेयर झारखंड पर। मैं सचिन पटना।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।